पुलिस ने डंपर चोरी का खुलासा किया है। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के ड्राइवर से दो लोगों ने मारपीट कर डंपर लूट लिया था। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। इस टीम में पुलिस अधीक्षक अंशुमान सिंह, एएसपी नीरज चौरसिया, एसडीओपी निर्भय सिंह के साथ थाना प्रभारी अमित सोनी, पीएसआई लोकेश सिंह कुशवाहा, अशोक जायसवाल, हरेंद्र सिंह ठाकुर शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने सराहनीय काम कर टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। ड्राइवर भी मारपीट करके और उसको थोड़ा से लूट करके लेके चले गए। इसमें से एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी साहब ने एक टीम गठित की और उसको चारों तरफ से सील किया गया, नाकाबंदी की गई, वायरलेस से पॉइंट देके आसपास के जिलों को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई पता रसी नहीं थे। फिर मुखबिर की सूचना पर अशोक गुर्जर किशोर गुर्जर और उसका एक और साथी गणेश, ये भी गणेश गुर्जर, इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।